ओडिशा की जनता एक और वोट भी करने जा रही है। ये महाप्रभु की भूमि पर पहली बार ओडिशा की भाषा, संस्कृति, धर्म और साहित्य के गौरव के लिए ओडिशा में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट करना है। देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह जाता 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 आज ओडिशा आया हूं। मैं जहां जहां गया पूरे देश में मोदी 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 के नारे लगते। आज ओडिशा में भी पूरा माहौल मोदी पर है, मगर ओडिशा और देश में थोड़ा परिवर्तन है। देश भर के लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। ओडिशा की जनता भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर 20 से ज्यादा कमल देश की लोकसभा में भेजने के लिए वोटिंग करने जा रही है। परंतु इसके साथ साथ ओडिशा की जनता एक और वोट भी करने जा रही है। ये महाप्रभु की भूमि पर पहली बार ओडिशा की भाषा, संस्कृति, धर्म और साहित्य के गौरव के लिए ओडिशा में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट करना है। ओडिशा वालों, जो अपने प्रदेश की भाषा, अपने प्रदेश का साहित्य और अपने प्रदेश की संस्कृति का गौरव नहीं कर सकता, वो प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकता। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।